तो दोस्तों इस प्रकार से HP 1005 प्रिंटर के गियरों की आवाज़ आ रही है और डिस्प्ले पे आ रहा है प्रेस ओके टू यूज अवेलेबल मीडिया लोड ट्रे प्रिंट A4। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम किस कारण से आती है। तो ये प्रिंटर वैसे ढक्कन दोनों साइड के ढक्कन खुले हुए हैं और बाकी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको देखेंगे, ये गियर की आवाज़ क्यों आती है इसमें। तो चलिए अब इस प्रिंटर को खोलते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसमें। पीछे वाली ट्रे को खोलने के लिए सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से यहाँ का ये सेंसर लगा रहता है इसमें प्लेट में, तो इस प्लेट को भी इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और ये अर्थिंग वाली केबल को भी हटा लेंगे और इधर से ये मैग्नेट वाली केबल को हटा लेंगे और पूरी ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से ट्रे बाहर निकल जाएगी। इसके बाद इसके गियरों को देखेंगे। इस गियर में क्या प्ले आ जाती है, यहाँ पर प्ले आ जाती है, ये प्ले आने के कारण से ये गियर की आवाज़ आती है। तो आज इसको सही करने के लिए इसकी प्ले को कम कर देंगे। तो इस जगह इस गियर को रख के और SMD से यहाँ गर्म करके इसको प्लास्टिक को थोड़ा नीचे दबा देंगे जिससे इसकी प्ले कम हो जाएगी। और गियर की आवाज़ नहीं आएगी, सही से अटैच हो जाएगा ये। तो चलिए करते हैं अब इसको गर्म। ये जुगाड़े नहीं तो ये ट्रे पूरी ट्रे चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको जुगाड़ नहीं करना हो तो ये ट्रे चेंज करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और अपनी पुरानी ट्रे को सही करने के लिए यहाँ से गर्म करके इसको थोड़ा प्लास्टिक को नीचे दबा देंगे तो ये सही हो जाएगी। इस तरह से इसको गर्म करेंगे यहाँ से। इस जगह से इसको गर्म करते रहेंगे, ये पिघलने के बाद दबा देंगे इसको। अब ये गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ी देर लगाए रखेंगे इसमें और अच्छी तरह गर्म होते ही इसको दबा देंगे। तो अभी गर्म नहीं हुआ अच्छी तरह से। इस तरह से फिर कपड़े से इसको दबा देंगे, गरम ज़्यादा गरम होते ही प्लास्टिक पिघलने लगते ही इसको दबा देंगे। अभी ये दबा दिया, ये नीचे झुक गया थोड़ा सा और इसकी प्ले कम हो गई। इस प्रकार से इस जगह देखो गरम हो गई थी प्लास्टिक और ये कपड़े से यहाँ पर दबा दी थोड़ी तो इसकी प्ले कम हो गई। अब वापस जो इसकी स्प्रिंग रहती है यहाँ पर तो इस स्प्रिंग को लगा देंगे और इस गियर को भी यहाँ सेट कर देंगे, ऊपर वाले गियर को भी लगा देंगे इस तरह लगा के और इसको घुमा के चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से घूम रहा है और काम भी कर रहा है। और इसके बाद इसको वापस कसेंगे इसमें और चेक करेंगे गियर की आवाज़ रुकी या नहीं।
सैमसंग का जाओगे ओ इस तरह से इसको वापस सेट करेंगे। यहाँ पर लगा के इसको इस तरह से और पीछे वाले से भी स्क्रू को कस देंगे। एक केबल को भी वापस लगा देंगे और ये सेंसर वाली प्लेट है इसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे वापस और ये अर्थिंग वाली केबल को भी लगा देंगे। ये सब लगा दिए, अब इसको चेक करेंगे। अब लगाएंगे इसमें पावर केबल और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम निकली या नहीं। इसमें लगा देंगे पुराने कागज और निकालेंगे पेपर। ये हो गया प्रिंटर रेडी, इसमें कॉपी कर देते हैं ज्यादा। इसमें ये 15 कॉपी कर दी और जेरोक्स बटन खाली पेज है वैसे और जेरोक्स कर ली। अब इसे प्रिंट निकलेगी इसमें। कॉपी हो रही है, ये पेपर ले लिया इसने। इसमें अब किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही, आसानी से पेपर ले रहा है। गियर भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। देखिए दोस्तों आसानी से घूम रहा है, गियर भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपके प्रिंटर में भी इस तरह की गियर की आवाज आ रही हो तो आप भी इस प्रकार से अपने प्रिंटर को सही कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, इसमें फिर जो ये पीछे वाली जो पूरी प्लेट खोली थी अपन ने, ये प्लेट चेंज करनी पड़ती है। अगर प्लेट चेंज नहीं करनी हो और ये इसी को रिपेयर करना हो तो इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। देखो दोस्तों आसानी से सभी पेपर निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अच्छी तरह गियर काम करेगा पहले की तरह और इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमारे YouTube पर नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस प्रकार की नई नई दिक्कत के वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू दोस्त।